हेलो गाइस, दिस कार्तिक पांडे एंड यू आर वाचिंग न्यू ऑनलाइन कोचिंग। गाइस, जैसे कि आप लोगों ने ऑलरेडी आज की वीडियो का टाइटल देख लिया होगा, तो चलिए डायरेक्टली उसके बारे में डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। मैं ऐसा मान रहा हूँ कि आप लोगों के जो कोर्स हैं, मतलब कहने का मतलब जो आप लोग का सिलेबस है, वो लगभग कंप्लीट होने वाला होगा। और यदि कुछ लोगों का बाकी भी होगा तो वो एक दो चैप्टर ही बाकी होंगे लास्ट के, बिकॉज मैक्सिमम कोचिंग्स में कंप्लीट हो रहा है। इवन इन सुपर 30 भी, मेरे सुपर 30 में भी जुलाई से स्टार्ट हुआ है। सो 11th का पूरा कंप्लीट हो चुका है, 12th का पोर्शन स्टार्ट हो गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आज से स्टार्ट किया हूँ, मतलब आज कल से स्टार्ट करूंगा, मतलब आज से करने वाला हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि हर जगह का लगभग सिलेबस कंप्लीट हो रहा है धीरे धीरे करके, और अभी वक्त आ गया है फाइनल टेस्ट देने का। कहने का मतलब कि अब अपने मन में एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए लास्ट के 2 मंथ्स के, मतलब नवंबर और दिसंबर में। 2 मंथ में हमें क्या करना चाहिए कि हम जो अपने मार्क्स हैं वो 100 से 200+ पहुंचा सकें, 200+ इन आउट ऑफ 360 पहुंचा सके। क्या ऐसा करें कि हम पहुंचा सके स्ट्रेटजी वाइज। तो आज मैं कोई टॉपिक डिस्कशन नहीं करूंगा। देखिए, मैंने टॉपिक्स के बारे में भी बताया हुआ है कि इन टॉपिक्स को पढ़ने से ज्यादा नंबर स्कोर होते हैं, क्लियर है। यदि आप जानना चाहें तो उसका डिस्क्रिप्शन में अपने वीडियो में दे दूंगा, वहां से चेक कर लीजिएगा, या इस वीडियो को अंतिम तक देखिएगा तो उस वीडियो का लास्ट में आपको इंड स्क्रीन मिल जाएगा, तो आप वहां पर चेक कर लीजिएगा। लेकिन आज मैं अपने सामने बात करने वाला हूँ स्ट्रेटजी के बारे में कि हम क्या माइंडसेट बना के चलें, क्या हमारी प्लानिंग हो लास्ट के 2 मंथ की, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकें। क्लियर गाइस? तो देखिए, बीइंग एन आईआईटियन, जैसे कि मैं आईआईटी बीएचयू से हूँ, तो मैंने भी आईआईटी क्रॉस करी है, तो वो प्रेशर मुझे भी फील हुआ है। क्लियर गाइस? वो प्रेशर मैंने फील किया है एग्जाम के लास्ट 2 मंथ का। तो मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। क्लियर गाइस? तो देखिए, लास्ट के 2 मंथ में अब कोई बहुत बड़ी नई चीज पढ़ने की कोशिश मत करिएगा। या अभी मान लीजिए आप अप टू 15th ऑफ नवंबर आप नए टॉपिक्स पढ़ भी सकते हैं, या चलिए 20th ऑफ नवंबर। क्लियर गाइस? लेकिन आफ्टर दैट फिर नया टॉपिक में इन्वॉल्व मत होइएगा, नए टॉपिक्स को मत पढ़िएगा। बिकॉज एग्जाम के जितना पास आप नए टॉपिक्स पढ़ेंगे, और यदि वो टॉपिक्स क्लियर नहीं होंगे या नई नई चीजें देखेंगे और आपको रियलाइज होगा कि ये मेरे से नहीं बन रहा, तो आपको डिमोटिवेशन मिलेगा और उसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस डिक्रीज होगी 101%। क्लियर है? और ये बात भी याद रखिए कि एग्जाम में जो आप वहां पे पेपर देने वाले हैं, वहां पे आपको 100% नहीं करना है। आप यदि वहां पे 60% टू 70% भी करते हैं तो आप अच्छे मार्क्स और अच्छी रैंक स्कोर कर सकते हैं। क्लियर गाइस? इवन यू बिलोंग टू जनरल कैटेगरी। क्लियर है? सो इसीलिए हर टॉपिक यदि आपसे नहीं भी बन रहा है तो आपको पहले तो टेंशन नहीं लेना है। क्लियर है? मेरे से भी जब मैं एग्जाम देने गया था तो कई टॉपिक्स थे जो उस टाइम पे मेरे से नहीं बन रहे थे पहली बार में। क्लियर है? लेकिन अभी वो टॉपिक्स पढ़ाता हूं तो बनते हैं। क्लियर है? लेकिन अपने टाइम पे वो टॉपिक्स नहीं बन रहे थे। बट मेरा ऐसा मानना है कि टॉपिक यदि नहीं बन रहे तो उन्हें इग्नोर कर दो। कब? लास्ट टाइम पे। हाँ, यदि टाइम बचा है तो पढ़ो, लेकिन अभी मेरे को लग रहा है कि फाइनल टच का टाइम आ चुका है। सो टिल 20th ऑफ नवंबर आप उन टॉपिक्स को करिए, मीन्स न्यू टॉपिक्स को। लेकिन आफ्टर 20th ऑफ नवंबर डोंट टच न्यू टॉपिक और एनी काइंड ऑफ न्यू थिंग और एनी काइंड ऑफ न्यू बुक। क्लियर गाइस? ना, दिस वॉज द फर्स्ट पॉइंट। नाउ टॉकिंग अबाउट सेकंड पॉइंट, स्टार्ट मेकिंग शॉर्ट नोट्स। बिकॉज अभी जो शॉर्ट नोट्स बनाओगे वो लास्ट के 10 दिन में आपको रिवाइज करने में बहुत ज्यादा मदद करेंगे। क्लियर गाइस? और हर चैप्टर को फाइनल टच देना स्टार्ट करो। मतलब एक चैप्टर उठाओ पूरे मन से, पूरे दिन का टारगेट करके, और सोच लो कि अभी इस चैप्टर से मैं A to Z करके ही छोड़ूंगा, जिससे कि मेरा, चलो ठीक है कि और कुछ कंप्लीट हो चाहे ना हो एग्जाम देते वक्त, लेकिन ये कंप्लीट हो। क्लियर है? ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाए। जैसे मेरे को कई बार ऐसा लगता था एग्जाम कुछ दिन पहले, यार मेरे से कुछ नहीं बन रहा यार। फिर देखता कोई क्वेश्चन बन जाता तो लगता कि मेरे से बहुत कुछ बन रहा है, फिर लगता मेरे से कुछ नहीं बन रहा यार, फिर लगता मेरे से बहुत कुछ बन रहा है। तो इन चीजों के चलते मैं कई बार जान ही नहीं पाता था कि मेरे से क्या बन रहा है। जिसके चलते मैं क्या करता था कि मैं अपने मन से कोई बुक उठाया, कोई एक टॉपिक उठाया, जैसे कैपेसिटर उठा लिया। अब कैपेसिटर को A to Z और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स A to Z कर लिया, तो एक अपने अंदर कॉन्फिडेंस आ गया कि चलो अब चाहे दुनिया में कोई टॉपिक बने चाहे ना बने मेरे से पेपर में, लेकिन अब मेरे से कैपेसिटर जरूर बनेगा। क्लियर गाइस? तो स्टार्ट गिविंग फाइनल टच
तो ईच चैप्टर जो भी आपके मजबूत चैप्टर हैं उनको फाइनल टच देना स्टार्ट करिए, और फाइनल टच देते वक्त नोट जरूर बनाइए, क्योंकि लास्ट के 10 दिन में वो शॉर्ट नोट्स आपको बहुत ज्यादा मदद करेंगे। आई एम नॉट सेइंग नोट्स, आई एम सेइंग शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स का मतलब हर टॉपिक का पर्टिकुलर फॉर्मूला लिख लीजिए, या उसका स्पेशल पॉइंट लिख लीजिए, या एक्सेप्शन है, या कोई वहां पे सोचने योग्य बात है तो उसको लिख लीजिए, जिससे कि लास्ट टाइम पे आप जब वो पॉइंट देखें तो आपको रिकैप हो जाए, क्लियर गाइस, या आपको दोबारा रिवाइज जाए या आपको याद आ जाए, क्लियर है। तो ट्राई टू मेक वेरी वेरी शॉर्ट नोट्स, मतलब यदि आप पूरे रोटेशनल मोशन चैप्टर बना रहे हैं या पूरे मैग्नेटिज्म को बना रहे हैं, सो दैट नोट शुड नॉट एक्सीड मोर देन 2 to 3 pages, बिकॉज एट द एंड ऑफ प्रिपरेशन या बिफोर जस्ट बिफोर द एग्जामिनेशन आपके पास यदि बहुत बड़ा नोट सेक्शन होगा तो वो रिवाइज नहीं होता है। ये कहने वाली बात नहीं, लेकिन सच है, रिवाइज नहीं हो पाता है। लेकिन जब बहुत छोटी नोट्स होती हैं या बहुत कम नोट्स होती हैं तो हम उन्हें ईजिली रिवाइज कर सकते हैं, क्लियर गाइस। सो दिस वॉज द सेकंड स्ट्रेटजी और सेकंड प्लान। सो अपने हिसाब से 2 महीने के हिसाब से अपने टॉपिक्स को अरेंज करके एक टाइम टेबल बना लीजिए हर दिन के हिसाब से, कि मैं इस दिन पे ये टॉपिक पढ़ूंगा, इस दिन पे ये टॉपिक पढ़ूंगा। तो यदि आप मान लीजिए सारे टॉपिक्स में से बड़े टॉपिक्स को 2 दिन देते हैं, छोटे टॉपिक्स को 1 दिन देते हैं, तो ओवरऑल 33 to 34 चैप्टर्स हैं इनकम्प्लीट फिजिक्स, क्लियर है। तो यदि मान लीजिए उनमें से कि 15 से 16, मान लो 17 या 18 या 20 चैप्टर कठिन है, क्लियर है, तो 20 चैप्टर को मान लो कि 20 × 2 = 40 हो गया, और रिमेनिंग 13, तो 40 + 13 = 53 दिन हो गए। आप देख सकते हैं कि आपके पास जनवरी बिगनिंग से आई थिंक सो पेपर स्टार्ट हो जाएंगे, या जनवरी 10 या 15 से, तो आपके पास 2 महीने के अप्रॉक्सी टाइम बच रहा है। सो उसके हिसाब से आपके पास ये प्रॉपर एक बहुत आइडियल स्ट्रेटजी हो सकती है कि अपना एक टाइम टेबल बनाइए, जो आपके इजी टॉपिक्स हैं उनको पहले रखिए, उसके बाद जो आपको जितना स्ट्रांग लग रहा है उसको पहले प्रेफरेंस दीजिए, क्योंकि वो टॉपिक्स यदि एक बार रिवाइज जाते हैं और दोबारा बनने लगते हैं तो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नाउ आई कैन डू समथिंग, क्लियर गाइस। सो दिस वाज द सेकंड टिप। नाउ वी विल टॉक अबाउट थर्ड टिप, कि अभी एग्जाम लास्ट है, अब देखिए जितना सीखना था सीख लिया, या थोड़ा बहुत और ही सीखना बाकी है। अब वो वक्त आ गया जब हम ये जानने की कोशिश करें कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, मैं कहां लाई कर रहा हूं, कहने का मतलब मैं कहां स्टैंड कर रहा हूं, मैं कितना कर सकता हूं, मुझे और अपना कितना परफॉर्मेंस बढ़ाना है, ये सारी चीजों को जानने का मौका आ गया है, मतलब जानने का वक्त आ गया है। तो गाइस अब आपको कोई ना कोई एक AITS ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेनी चाहिए। किसी भी आप अच्छी कोचिंग की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, या किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन AITS को ज्वाइन करते वक्त कई बातों का ध्यान रखिएगा। जैसे कि पहला, AITS में नंबर ऑफ टेस्ट थोड़ा ज्यादा हो, क्योंकि उससे नंबर ऑफ टेस्ट ज्यादा होने से आपको परफॉर्म करने का अच्छा मौका मिलता है। वो टेस्ट हर 5 दिन 6 दिन में होते रहें, यह भी याद रहे आपको, ऐसा ना हो कि एक टेस्ट दिया फिर 15 दिन हो गए तो उस तरह में ज्यादा नंबर ऑफ टेस्ट नहीं दे पाओगे और कुछ पता नहीं चलेगा। सो हर 5 दिन 6 दिन में आपके टेस्ट हो। फिर ना वो टेस्ट बहुत ज्यादा हार्ड हो ना बहुत ज्यादा सरल हो, क्योंकि बहुत ज्यादा सरल होगा तो आपको ओवर मोटिवेशन दे देगा, कहने का तो ओवर कॉन्फिडेंस दे देगा, और यदि बहुत ही ज्यादा टफ हो जाएंगे तो फिर ऑन दैट केस वो क्वेश्चन आपसे बनेंगे नहीं। जैसे आप सोच चुके होंगे, जान चुके होंगे मैं किस कोचिंग का नाम नहीं लूंगा, लेकिन ऐसे हैं उसके पेपर्स, क्लियर है, उस पर्टिकुलर कोचिंग के बहुत नामी कोचिंग है, सो मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन ये जरूर है कि उसके क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा कठिन होते हैं और वो बच्चों को डिमोटिवेट कर देते हैं वो क्वेश्चन। हाँ, यदि आप सोच रहे हैं 300+ की, तब आपको वो टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि वो टेस्ट सीरीज आपको सोचने का मौका देगी बहुत ज्यादा। लेकिन उन बच्चों के लिए वो नहीं है जो 200 या 250 या लेट अस सपोज 180 या 150 के रेंज में लाई कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए ऐसी टेस्ट सीरीज टोटली अवॉइड करना चाहिए, आई थिंक सो। तो एक बार जरूर डेमो देखिए, कोई भी टेस्ट सीरीज है तो उसका डेमो देखिए, उससे आपको एक आइडिया लगता है कि इन्होंने कैसे क्वेश्चन दे रखे हैं। क्या वो क्वेश्चन किसी एक बुक से दे दिए हैं, क्या वो क्वेश्चन किसी टेस्ट सीरीज की कॉपी दे दिया है, या क्या वो क्वेश्चन मैं देख चुका हूं। ऐसे क्वेश्चन करके क्या फायदा होगा ATS में, वो सारे यदि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं तो। एक दो रिपीट होना दैट्स फाइन, लेकिन 10 या 15 रिपीट हो रहे हैं दैट्स काइंड ऑफ प्रॉब्लम। सो ऐसा आप किसी भी टेस्ट सीरीज को AITS को ज्वाइन करते वक्त इन बातों का ध्यान रखिए। देखिए मेरा भी टेस्ट सीरीज है, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, न्यूरा ऑनलाइन कोचिंग का भी है, हमने इन सारी बातों का ध्यान रखा ऑलरेडी कि भैया टेस्ट 5 दिन में कराना है, ना टेस्ट बहुत ज्यादा हार्ड हो ना बहुत ज्यादा स्लो, मतलब लो लेवल का हो, क्योंकि पहला टेस्ट जो हुआ भी है फर्स्ट टेस्ट सीरीज का, उसमें 208 गया हाईएस्ट पे, सेकंड टेस्ट का 212 गया, फिर हमने सेकंड टेस्ट सीरीज लॉन्च की, मतलब वही टेस्ट हमने सेकंड लॉन्च की, क्लियर है।
तो ये हो गया। अभी नंबर ऑफ जो पार्टिसिपेंट है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, सो बच्चों को एक बहुत अच्छा कंपेयर करने का मौका मिलता है। फिर हमने क्वेश्चंस जो रखे हैं बहुत सारी जगहों से कलेक्ट करके और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को सफल करके बनाया हुआ पेपर। तो ऐसा भी नहीं है कि आपको क्वेश्चन 100% देखे हुए ही मिलेंगे, और क्वेश्चंस का लेवल भी बहुत ज्यादा हाई भी नहीं है, बहुत ज्यादा लो भी नहीं है, क्लियर है। सो सारी चीजों को मेंटेन करके हमने भी IT लॉन्च करी है। लेकिन यहां मैं आपको बिंग बायस्ड होकर के नहीं बता रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरी टेस्ट ज्वाइन करिए, ये आपके ऊपर, आप जिसको ज्वाइन करना चाहें ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन इन बातों को ध्यान रख के ज्वाइन करिएगा, क्लियर है। और यदि हमारी टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका तो हमने लिंक दे ही रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाइए ज्वाइन करिए। नाउ दिस वाज द थर्ड टिप, क्लियर। नाउ फोर्थ टिप, फोर्थ टिप ये है कि प्लीज अब इन लास्ट 2 मंथ्स में अपनी दिनचर्या चेंज कर लीजिए। कहने का मतलब आप दिन में पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए प्रॉपरली, रात में थोड़ा कम पढ़िए, बिकॉज आपका पेपर आई डोंट थिंक सो कि रात को 3 बजे से होने वाला है। यदि आप मान लीजिए 12 से 2 के बीच में आइंस्टीन बन जाते हैं तो उसका फायदा क्या होगा एग्जाम में, क्योंकि पेपर तो दिन में होगा, आप रात में आइंस्टीन बने हो, बनते रहो, क्या फायदा पड़ेगा, दिन में आइंस्टीन बनो ना। सो इसीलिए अपनी दिनचर्या ऐसे बनाइए कि आपका दिन भर दिमाग चलता रहे, आप दिन भर कुछ ना कुछ पढ़ते रहें या कुछ ना कुछ सोचते रहें, क्लियर गाइस। ये आपको बहुत ज्यादा अपने मार्क्स स्कोर मतलब इंक्रीज कराने में मदद करेगा, क्लियर गाइस। सो दिस वाज द टिप नंबर 4, जो कि आपके मन में होनी चाहिए, हर वक्त होनी चाहिए। मतलब मुझे ऐसा फिक्स कर लेना है कि भैया मेरा ये टाइम टेबल है, अब एटलीस्ट 2 मंथ है, ये 2 मंथ तो मैं इस टाइम टेबल से एडहेयर होके चलूंगा, क्लियर है। और सबसे मेन चीज यार, सबसे लास्ट टिप जो बोलूंगा वो ये है कि प्लीज डिमोटिवेट मत होइए, अपनी मेहनत पे विश्वास रखिए, जो आपने मेहनत करी है उस पे विश्वास रखिए, और ट्राई टू डू रिवीजन, हर टॉपिक रिवाइज करने की कोशिश करिए जो आपने पहले पढ़ा है। कोई नई बुक मत टच करिए, कोई नया DLP मत टच करिए, या कोई नया पर्टिकुलर मॉड्यूल मत टच करिए, ऐसी कोई भी चीज मत टच करिए जो कि आपको डिमोटिवेट कर सके। और हाँ, हर वक्त अपने कॉन्फिडेंस को बना के रखिए, अपने हार्ड वर्क के विश्वास रखिए, इस बात का विश्वास रखिए कि आपने साल भर मेहनत करी है तो वो मेहनत आपको 100% सक्सेस दिलाएगी, ना कि आपको प्रॉब्लम फील होगी, क्लियर गाइस। और यार ये सोच के चलिए कि मम्मी पापा का आशीर्वाद हर वक्त रहता है, भगवान सब देखते हैं, हार्ड वर्क हर वक्त देखते हैं, मैंने हार्ड वर्क किया है तो मुझे सक्सेस मिल रही है। सो आई नो दैट कि भगवान किसी के साथ गलत नहीं करते, क्लियर है। और हाँ ये बात भी याद रखिएगा, भगवान भी उसी का सपोर्ट करते हैं जो मेहनत करता है, बिना मेहनत करने वाले का भगवान सपोर्ट नहीं करते। भगवान का मतलब एक अलमाइटी, एक अच्छी सोच या एक पॉजिटिव एनर्जी उसी का सपोर्ट करती है जो हार्ड वर्क किया होता है, क्लियर गाइस। सो दिस वाज ऑल अबाउट कि आप अपने मार्क्स कैसे इंक्रीज कर सकते हैं एंड व्हाट शुड बी द स्ट्रेटजी ऑफ लास्ट 2 मंथ्स बिफोर जेईई मेंस, क्लियर है। तो देखिए आपका जो फेवरेट टॉपिक है उसके हिसाब से चलिएगा, मैं उसमें कोई प्रॉब्लम बात नहीं बोलूंगा, लेकिन एग्जाम के लिए जो स्ट्रेटजी होगी उस वीडियो का जरूर वेट करिएगा, मैं अगली वीडियो बनाऊंगा कि एग्जाम को कैसे दें, मतलब कैसा एग्जाम देने की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि जिससे ज्यादा से ज्यादा नंबर हम अचीव कर सकें। और लास्ट में गाइज यही बोलूंगा कि यदि कोई आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक की वीडियो चाहते हैं तो प्लीज वो टॉपिक हमें मेल करिए newiraonlinecoaching@gmail.com पे, हम उस टॉपिक को देखेंगे और उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, क्लियर गाइज। और लास्ट में यही बोलूंगा कि प्लीज गाइस यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, और सबसे मेन चीज यदि अभी तक आपने हमारे AITS को ज्वाइन नहीं किया है तो ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, आपको बहुत सारे बच्चों के साथ अपने आप को कंपेयर करने का मौका मिलेगा, क्लियर गाइस। सो कीप वॉचिंग अस, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।